अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के एक युवा और डायनेमिक नेता को, एक ऐसा नेता जो विवादों से दूर रहता है लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत तेज तर्रार नजर आते हैं। प्लीज वेलकम लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आपकी अदालत में आज के शो के लिए हमारी जज हैं टेलीग्राफ की पॉलिटिकल एडिटर राधिका रामासेशन, और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, सवालात इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज राधिका रामासेशन की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे ज्योतिराज सिंधिया पर, एक नजर डालेंगे इनके पॉलिटिकल करियर पर। दून स्कूल में पढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA हैं। इन्होंने अपना करियर मेरिल लिंच और मॉर्गन स्टैनले में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर शुरू किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट के शौकीन हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। क्रिकेट के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पोलो खेलते हैं, कार रेसिंग का कोर्स कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पिता माधवराव सिंधिया के दुखद निधन के बाद हुआ। 2002 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। 2009 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। बाद में इन्हें पावर मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया। मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना गया। इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं। आपकी अदालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप है कि ये हार को पचा नहीं पाए हैं। टाइम मैगजीन में बराक ओबामा ने लिखा नरेंद्र मोदी के बारे में, बचपन में मोदी ने परिवार चलाने के लिए पिता के साथ चाय बेची, उनके जीवन की कहानी गरीबी से पीएम तक भारत के आगे बढ़ने की संभावना और जोश दिखाती है। उनके पास गरीबी कम करने के, शिक्षा के विस्तार करने के, महिलाओं के सशक्तिकरण के दूरगामी सोच है, लेकिन कांग्रेस को ये चाय वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रजातंत्र में कई उत्सव चुनाव होता है रजत जी, और मैं समझता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र होने के नाते भारत की नींव और भारत की विशेषता हमारे मत का अधिकार के आधार पे होता है, और जो भी इस चुनावी जंग से चुन के आता है वो भारत की इच्छा के अनुसार आता है। एक साल हो चुका है, लेकिन एक साल का जो कार्यकाल रहा है मैं नहीं समझता कि संतोषजनक है, लेकिन इस पर जरूर हम लोग, मुझे मालूम है कि विश्लेषण करेंगे। हार हार होती है, जीत जीत होती है। आना जाना, सत्ता में रहना सत्ता में न रहना, उतार चढ़ाव, ये किसी केवल राजनीतिक दल नहीं लेकिन मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के जीवन में आता है, पर कैसे उस चढ़ाव पर आप अहंकार न पा पाओ और कैसे उस उतार पर आप विश्वास न खो लेकिन दोबारा मेहनत मशक्कत और अपने परिश्रम के आधार पर उभरने की साहस रखो, ये व्यक्ति या दल या किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, दुनिया की बड़ी मैगजीन है। इन्होंने लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक स्थिर है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए जिसके कारण मुद्रास्फीति कम हुई,
ब्याज की दरें गिरी, रुपए की दर में स्थिरता आई, राजकोषीय और चालू खाता और घाटा नियंत्रित हुआ। इन सुधारों से उम्मीद ऐसी है कि भारत 7.5% की वृद्धि दर के साथ चाइना को पीछे छोड़ देगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 में से 0, कुछ किया ही नहीं इन्होंने। पर असलियत है रजत जी, अगर आप देखो नारा जो लगाया था, क्या नारा लगाया था? नारा लगाया था अच्छे दिन। अब आपके साथ यहाँ बैठे हुए हमारे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अमानत यहाँ है, पूछ लो आप किसके लिए अच्छे दिन आए? क्या आज किसान के लिए अच्छे दिन आया है? किसान की हालत देख लो, चाहे आपको समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं मिली, जो बोनस की प्रक्रिया होती थी भारत सरकार के एक चिट्ठी से हर किसान को जो 150 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था वो बोनस की प्रक्रिया समाप्त कर दी। खाद नहीं मिला लेकिन डंडे मिले हैं प्रशासन के, मंडियों से स्टॉक लिफ्ट नहीं किया जा रहा है, और तो और छोड़ दो आप, ओलावृष्टि अतिवृष्टि के बाद मुआवजा नहीं मिल रहा। कहा जा रहा है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पहला राशि मिले उसके बाद हम सोचेंगे। हमारे समय में भी अकाल आया था, हमारे समय में भी ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई थी, लेकिन सरकार के खजाने हमने खोले किसानों के लिए, और उसके बाद अब और कुछ छोड़ दो लेकिन जमीन पर जो हमारे पांव हैं किसानों के, वो जमीन भी हत्याने की अब कावियात शुरू हो गई है भूमि अधिग्रहण विधेयक के आधार पर। तो किसान को जहां आप एक तरफ से गला घोट रहे हो, वहां दूसरे तरफ से उसकी एकमात्र अमानत ले जा रहे हो। आप हर रोज कहते हैं किसानों की जमीन छीन के उद्योगपतियों को दी जा रही है। 30 अगस्त 2008 का ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, आपकी सरकार थी, 4 साल सरकार बने हो गए थे। हरियाणा के झज्जर में 25,000 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 40,000 करोड़ है, वो किसानों से लेके उद्योगपति को दे दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 10,000 एकड़ जमीन एक दूसरे उद्योगपति को दे दी, 30,000 करोड़ की जमीन। उड़ीसा में 8,000 एकड़ जमीन 40,000 करोड़ जिसकी है, मित्तल साहब को दे दी। आप जमीन किसानों की लेके उद्योगपतियों को दे रहे थे और आज उनके खैरखा बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपने ये प्रश्न किया। मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं आप मुझे बड़ी खुशी है, पर इसमें और मैं सम्मान पूर्वक पूरी बात सुन जी 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 बिल्कुल। ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कंबाइंड जमीन थी 92,000 एकड़, मुंबई का आधा साइज, और ये जमीन का असर पड़ा 5 लाख किसानों पर। 5 लाख किसानों की जमीन लेकर उद्योगपतियों को दे दी, उस समय आपको ध्यान नहीं आया कि सरकार उद्योगपतियों की है या किसानों की है? तो जैसे मैं कह रहा था रजत जी, मुझे बड़ी खुशी है आपने ये प्रश्न उठाया। मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैंने आपसे पूछा। चलिए हम दोनों बड़े खुश हैं, पर इसमें आप एक डेटा पॉइंट भूल गए कि गुजरात में कितनी जमीन ली गई थी उद्योगपतियों को देने के लिए। वो आपको बताऊं मैं? मैं वो भी बता देता हूँ। पर आपने ये पॉइंट मिस क्यों किया जब प्रश्न आप उठा रहे थे? मैं जानता था आप हर थोड़े दिन में जिक्र करते हैं, राहुल गांधी अपनी हर स्पीच में नाम लेते हैं अडानी का। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने तो आपको राज्य का नाम लिया। हाँ, उस राज्य के उद्योगपति हैं अडानी, जिनका नाम राहुल गांधी अपनी स्पीचेस में लेते रहे। गुजरात में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अमर सिंह चौधरी, उन्होंने अडानी को 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर के रेट पर जमीन दी। पर अभी भी आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रश्न तो आज आपको जवाब देने हैं, मुझे जवाब नहीं देने हैं। पर इसमें गुजरात का भी फिगर होगा? नहीं, आप देखिए नहीं, अगर आप प्रश्न का जवाब, अगर आप प्रश्न से भागने की नहीं, मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। कह रहा हूं कि मैं प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, नहीं दूंगा। मैं जरूर प्रश्न का जवाब दूंगा। 92,000 एकड़ जमीन है, मैं जरूर प्रश्न का जवाब दे रहा था। मैं तो केवल एक छोटी सी जो फैक्ट मिसिंग थी वो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं बिल्कुल बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कोशिश कर रहे थे, जमीन अधिकृत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्य सरकारों के द्वारा अधिकृत हुई है, चाहे वो बीजेपी का राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस का राज्य सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी स्थिति को ठीक करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम लोग भूमि अधिग्रहण विधेयक हम लोग लेके आए थे संसद के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, मुआवजा राशि इन सभी उदाहरणों में दिया गया था। नंबर तीन, हमारा विषय क्या है,
हमारा विषय ये है, अगर भूमि किसान की है और सीमांत कृषक इस देश में है, तो क्या किसान से उसकी सहमति के बगैर आपको जमीन अधिग्रहण करना चाहिए? किसान की सहमति लेने में क्या कठिनाई है आपको? नंबर एक। नंबर दो, सामाजिक प्रभाव का आंकलन नहीं होना चाहिए। और जब रजत जी, मुझे आश्चर्य है, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, बजट में जब ये चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, संसद में, तब भाजपा की तरफ से राजनाथ सिंह जी, हुकुम नारायण सिंह जी, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि एक तिनका भी जमीन नहीं लिया जाना चाहिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के द्वारा, एक तिनका भी जमीन नहीं ली जानी चाहिए किसी भी किसान के सहमति के बिना, और थपथपा रहे थे मेज को जब बिल पारित हुआ। तो एक साल में क्या अच्छे दिन आ गए कि आपको परिवर्तित करना पड़ा? सिंधिया जी, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष भाषण दे रही थी जयपुर में, और वो कह रही थी किसी भी कीमत पर किसान की वो जमीन नहीं ली जानी चाहिए जो मल्टी क्रॉप जमीन है, जिस पर वो एक के बाद एक ज्यादा फसल जमीन जी। लेकिन हरियाणा में आपकी सरकार थी, 20,000 एकड़ जमीन सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के नोटिस जारी हुए, वो जमीन ले ली गई किसान से, और उसके थोड़े दिन बाद ये गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद की सोना उगलने वाली जमीन थी, जिस जमीन पर रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने की परमिशन दे दी गई, रात दिन 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो गया। देखिए, जरूर ये हुआ होगा अगर आपने, कहा है, उठाया नहीं सवाल, नहीं, जरूर ये हुआ होगा अगर आपने उठाया है। तो मैं कह रहा हूं कि इतना भला चाहते हैं, इसलिए तो रजत जी इसीलिए तो भूमि अधिग्रहण बिल में बहुफसली जमीन पर अधिग्रहण करना, उस पर पाबंदी और अंकुश पूरी तरह से लगाया गया है, जिससे ये बीजेपी सरकार हटाना चाहती है। इनके अध्यादेश जो ये लेके आए हैं, और ऑर्डिनेंस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार इन्होंने लाया। पहली बार देश के इतिहास में राज्यसभा को भंग किया गया ऑर्डिनेंस को दोबारा, अध्यादेश को दोबारा पेश करने के लिए। क्या ये प्रजातंत्र के मूल्य और प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है? लेकिन आपने जो हट मना लिया है कि माय वे और द हाईवे, मैं अध्यादेश एक बार नहीं लाऊंगा, हमारी सरकार एक बार नहीं लाएगी, दो बार नहीं लाएगी, हम तो तीन बार लाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम चौथी बार भी लेके आएंगे। क्या यह प्रजातंत्र के विरुद्ध नहीं है? मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। रॉबर्ट वाड्रा 2009 से 2010 के बीच में राजस्थान में 2000 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी, और उसके बाद उस जमीन के आसपास सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे। उस जमीन की कीमत दिन में 2, रात में 4, अगले दिन 8 गुनी हो गई। तो मैं इसमें क्या कहूँ कि हर देश में हर व्यक्ति को हक है जमीन खरीदने के लिए। आपने ये स्टूडियो बनाने के लिए यहाँ नोएडा में जमीन खरीदा है, लेकिन उस जमीन पर स्टूडियो बना हुआ है, उस पर आप बैठे हैं। ठीक है, तो स्टूडियो बना है, तो ये तो नहीं, नहीं, जमीन खरीद, अगर मैं स्टूडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, और अगर मैंने खरीद लिया है, मैंने निवेश किया है, मैंने 10 साल होल्ड किया है, 10 साल होल्ड नहीं किया उन्होंने, अगर आपने 10 साल होल्ड किया हो या 2 साल होल्ड किया हो, अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन किया हो, आप रॉबर्ट वाड्रा के नाम से डरिए मत, सुन लीजिए, मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूं। आपको भी आश्चर्य होगा थोड़ा जान करके, 3.5 एकड़ जमीन हरियाणा में उन्होंने खरीदी, अंडर डेवलप प्लॉट था, 18 दिन के अंदर सरकार ने परमिशन दे दी, उस किसान की जमीन को कमर्शियल बना दिया, और जब कमर्शियल बनाया उन्होंने एक और कंपनी को दे दी, उन्होंने उसके ऊपर कुछ 1,000 रुपए लगाए थे, उनको 1,00,000 रुपए मिल गए। ये जादू है, इसको आप किसी एंटरप्रेन्योर से नहीं जोड़ सकते, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनकी मदर लॉ सोनिया जी हैं। हर व्यक्ति को इस देश में अधिकार है कि किस तरह से वो अपना बिजनेस करे, निवेश करे, और अगर कोई नियमों का उल्लंघन किया हो, तो आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, तहकीकात करे, कोई कठिनाई नहीं है, तहकीकात हो रही है, बिल्कुल, तो करे, तो हमें तो विश्वास है कि पूरी तरह से जो भी नियम है उसी का पालन करके उन्होंने किया है, वो कमेटी बैठी हुई है, तहकीकात करे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिनके पास देश हित
और जनता के हित की सोच है, उनको पूरा अधिकार है कि उस सरकार में ऐसे अधिनियम को हम लेके आए। आपने 1 जनवरी 2014 को कानून लाए थे, 12 मई 2015 तक 29 राज्यों में उस बिल के तहत 1 इंच भी जमीन एक्वायर नहीं हुई। आप मुझे बता दीजिए ना कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए जमीन की कमी है इस देश में। इस देश में बेहड़ की कितनी जमीन है? मेरे यहां चंबल घाटी में आप आके देख लो। मैं तो 10 साल से चिल्ला रहा हूं मेरे प्रदेश में सरकार को कि अगर हम लोग औद्योगिकरण चाह रहे हैं तो चंबल की बेहड़ की जमीन क्यों नहीं अधिग्रहण करके वो उसको हम इस्तेमाल करें। 10 साल आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बेहड़ पर प्रोजेक्ट लगाए? अरे बाबा, मैं मुझे तो बड़ा आश्चर्य कि आप ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे राज्य में हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, बीहड़ में कितने प्रोजेक्ट लगे? जमीन की कमी तो नहीं थी ना। हालत और हमने रजत जी उस विधेयक में यही लिखा है कि पहले बैरन लैंड को लिया जाए, जो बेहड़ की जमीन है वो लिया जाए। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं लिया बैरन लैंड को? लिया तो है बैरन लैंड को, कहीं कहा नहीं, क्यों नहीं लिया? क्या चंबल में? जब हमने चंबल के बेहड़ में 15 साल से तो हमारी सरकार नहीं है वहाँ, उसके पहले कमी नहीं थी जमीन की। और मैं कह रहा हूँ कि अगर जमीन की कमी है तो उसको इस्तेमाल करो। आप हाईवे निकल रहा है उसमें से, आपकी शताब्दी ट्रेन निकलती है वहां से, तो किस बात की कमी है? क्यों आप बहुफसली जमीन हड़पना चाहते हो? क्यों आप किसान की सहमति के बिना उनका जमीन लेना चाहते हो? जी, किसान के ऊपर आपका इतना तेज आंख क्यों लगा हुआ है कि जैसे भी हो पिटा जाए किसान? क्यों सिंधिया जी, जब हरियाणा की सरकार ने बहुफसली जमीन, आप तो वहीं चले गए, जब उन्होंने बहुफसली जमीन हड़पी थी तब आप क्यों नहीं बोले थे? मैंने आपको कहा ना, अनेक प्रदेश सरकारों ने अनेक जमीन हड़पी है, चाहे वो बहुफसली जमीन हो अधिग्रहण किया है, चाहे वो बहुफसली जमीन नहीं, उसी को हम लोग एक नियम के अनुसार लाने के लिए हम भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आए थे। नहीं, मैं ही पूछ रहा था, उस समय कहीं दर्द नहीं हुआ था कि किसान की जमीन हड़पी जा रही है? उस समय में हमने नियम लाया था, उसके पहले भी मुआवजा की नियम, या इसलिए नहीं कि वो बिल्डर्स को दी जा रही थी, या इसलिए कि वो उद्योगपतियों को दी जा रही थी? आप तो एक ही राज्य पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं उन राज्यों के बारे में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। ये प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की अनेक राज्यों में हुई है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, चाहे समाजवादी शासित राज्य हो, चाहे BSP शासित राज्य हो, चाहे जो भी सरकार हो, पर हम एक राष्ट्रीय पॉलिसी लाना चाहते थे और इसलिए हम भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आए। मतलब कि इस विधेयक के बाद हर राज्य में और राष्ट्र स्तर पर इस तरीके से भूमि अधिकृत की जानी चाहिए, हमारी सोच में, भारत सरकार के सोच में। और उसे आप एक साल भी चलने के पहले आपने तो उसको फाड़ के कागज के टोकरी में फेंक दिया। आपने, मतलब आपने नहीं, मतलब सरकार ने फाड़ के विधेयक को टोकरी में डालने का काम तो राहुल गांधी करते हैं। अपनी सरकार के प्रधानमंत्री का, अपने ही मनमोहन सिंह जी का नहीं, ये मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने कभी फाड़ा नहीं, उन्होंने कहा ये इस लायक है कि उसको फाड़ के नहीं, उन्होंने कभी, मैं तो केवल यही कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी फाड़ा नहीं, उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किए जो शायद आपके साथ सहमत न हो, किसी और के साथ सहमत न हो, लेकिन उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किए। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आज राहुल गांधी जितने एक्टिव है बीजेपी के काम के ऊपर, क्या वो अपने शासन के ऊपर अगर उतने एक्टिव होते तो आज कांग्रेस जीत जाती? उस समय भी वे इतने ही एक्टिव थे, चाहे आप देखो जो भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में रजत जी और हमने और आप सबने चर्चा की इतने लंबे समय में, उसकी नींव और उसका जन्म भट्टा परसौल के इंसिडेंट के बाद ही हुआ था, जिसमें राहुल जी ने लीड ली थी और उसी के आधार पर उन्होंने इसकी नींव रखी थी। चाहे रोजगार गारंटी योजना की बात करो आप, जो 200 जिलों में लागू हुआ था और उन्होंने इसे 600 जिलों में लागू करवाया, तो एक्टिवनेस सदैव, उनकी सतर्कता सदैव रही है। और पिछले 1.5-2 महीने में
जो उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ वे आ गया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इस देश के नौजवान को भी एक नया विश्वास मिला है। मेरा प्रश्न आपसे भी है और रजत जी आपसे भी है, मेरा प्रश्न ये परमिशन है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सबको पूरी जनता तो नहीं, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे परमिशन नहीं था इनसे प्रश्न पूछने का। आपको आज जवाब देने हैं, जनता कुछ भी पूछ सकती है, किसी से भी पूछ सकती है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं राहुल जी को यहाँ पर देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ, और वो यहाँ पे कब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई महान हस्तियां आई हैं, तो मेरा आपसे यही प्रश्न है, वो अपने बिजी शेड्यूल से इस आपकी अदालत के लिए समय कब निकालेंगे? मुझे तो विश्वास है कि रजत जी का निमंत्रण होगा, तो जैसे हम सब लोग उनके निमंत्रण पर, मैंने तो कई बार उनको निमंत्रण भेजा है, एक सेकंड पे आ जाते हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से जरूर कहूंगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप मेरी थोड़ी सिफारिश कर दें और कहें कि जनता चाहती है। कहने के पहले ही मैंने कह दिया आपको। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ज्योतिर सिंधिया पर जनता के इल्जाम और सवाल का एक और। सिलेंडर सस्ता हो गया 103 रुपए का, चीनी 39 से 29 रुपए हो गई, चावल 105 से 65 रुपए हो गया, बाबू अब टाइम पर दफ्तर जाते हैं, जनधन योजना में 15 करोड़ लोगों ने खाते खोल लिए, दुर्घटना बीमा हो सकता है 12 रुपए में, जीवन बीमा हो सकता है 330 रुपए में, इतना कुछ हो गया आपको पता ही नहीं चला। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इल्जाम है कि ये जनता से दूर हो गए हैं। आजकल बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मोबाइल फोन्स पर, और उनमें लिखा होता है सिलेंडर सस्ता हो गया 103 रुपए का, चीनी 39 से 29 रुपए हो गई, चावल 105 से 65 रुपए हो गया, पेट्रोल 83 रुपए था 67 रुपए हो गया, बाबू अब टाइम पर दफ्तर जाते हैं, अंग्रेजों के ज़माने के कानून ख़त्म हो रहे हैं, जनधन योजना में 15 करोड़ लोगों ने खाते खोल लिए, दुर्घटना बीमा हो सकता है 12 रुपए में, जीवन बीमा हो सकता है 330 रुपए में, इतना कुछ हो गया आपको पता ही नहीं चला। आप पूछ लीजिए टमाटर का दाम, आप पूछ लीजिए प्याज का दाम ग्रामीण अंचल में, आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज 60% गिरावट हुई है, जहां राष्ट्र स्तर पर 3% 4% भी गिरावट नहीं हुई है। आप बात करिए अनेक मुद्दों पर, जो ये आपने जनधन योजना की बात की, 12.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं पिछले एक साल में, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या हमें मालूम है कि इन 12.5 करोड़ अकाउंट्स में से कितने अकाउंट्स में जीरो बैलेंस है? 75%, 8.5 करोड़ अकाउंट्स में जीरो बैलेंस है। क्यों? क्योंकि सब ने जनधन योजना खोला था, क्योंकि भाजपा ने कहा था हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपए काला धन का हम डालेंगे। और आज जब मायूसी पूरे देश में है और देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरा 15 लाख रुपए कहाँ गया, तो फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अरे भैया ये तो चुनावी जुमला था। तो ये इनकी वास्तविकता है। तो ये वास्तविकता आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, अखबारों ने टीवी चैनल ने सर्वे किए, अगर आप पहुंचा पाते तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता कि 73% लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। क्या भास्कर ये कहता कि 61% लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं? मुझे बड़ी खुशी है। क्या इंडिया टुडे ये कहता कि 56% लोग एनडीए के काम से संतुष्ट हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बात तो नहीं पहुंची लोगों तक। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने सर्वेस की बात की, और हम ना भूलें कि यही सर्वेस थे जिन्होंने 2009 में कहा था कि कोई चांस नहीं है यूपीए सरकार बनने की। यही सर्वेस हैं। अब कब तक 2009 पर रट के रहेंगे? मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि जो आपने सर्वेस की बात उठाई ना, ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स आपके गिर रहे हैं, ना पेट्रोल डीजल का दाम गिर रहा है,
तो किस वृद्धि की हम बात कर रहे हैं? ये सर्वे तो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी ने जो दौरे के विदेशों में, उससे भारत का रुतबा बढ़ा है। बिल्कुल, मार्केटिंग बहुत हुई है। मैं तो कहता हूं कि ये तो एक फोटो ऑप सरकार है, और यही आप देख रहे हो। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, सभी मंत्रियों को कहा जाता है कि झाड़ू लेके जाओ, और दूसरी तरफ बजट के आवंटन में 50% कटौती की जाती है, तो कहां से होगा स्वच्छ भारत? स्वच्छ भारत का, निर्मल भारत के लिए आपकी सरकार ने कितना पैसा रखा था? 12,000 करोड़। इस सरकार ने कितना रखा? 6,000 करोड़। आपके 12,000 करोड़ से सफाई हो गई? शायद नहीं हुई हो, पर आप समझ लीजिएगा कि वो स्वच्छ भारत योजना में केवल सफाई नहीं है, जो टॉयलेट्स बनाए जाती हैं, गांव-गांव में राशि दी जाती है, वो सब उसमें सम्मिलित हैं। आपने मैं अगर देखें, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि अगर हमारी सभी योजना का की जो आशाएं अभिलाषाओं के अनुसार, जनता के अनुसार होता होगा, तो फिर जरूर हम वापस सरकार में आते। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि हमारी बहुत सारी कमियां रही हूं, इसलिए तो आज हम सरकार में नहीं है। देखिए, इसीलिए तो आपकी योजनाओं के बारे में कहा जाता है कि उसमें हजारों करोड़ रुपए रखे, लेकिन वो किसी की जेब में चले गए, खर्च नहीं हुए थे। सारे प्रोजेक्ट्स में खर्च हुए। विश्लेषण इसमें मैं करना चाहता हूं, अगर आप समझते हो कि इसकी इसका उत्तर लगता है कि बजट में कटौती हो जाए और इससे देश का विकास होगा, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। लेकिन आप इस पर कहाँ फोकस कर रहे हैं? आप तो हर रोज कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में व्यस्त हैं, वो हिंदुस्तान के टूर पर हैं आजकल, वो NRI हो गए हैं। पर ये भी तो वास्तविकता है। आप मुझे बताइए, जब वर्तमान में इतनी बुरी हालत देश के अंदर है कृषि के क्षेत्र में, क्या उसका हमें जायजा या दौरा नहीं करना चाहिए? जब इतनी बुरी हालत थी तो राहुल गांधी 56 दिन के लिए कहाँ गायब हो गए थे? आत्म अवलोकन करने के लिए गए थे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब आकर पूरी तरह से लगे हुए हैं ना। मनमोहन सिंह जी 2009 से 2010 के बीच में 42 दिन विदेश यात्रा गए थे 14 देशों में, 3 बार अमेरिका गए एक साल में। मोदी 57 दिन गए। अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ 15 दिन ज्यादा गए हैं। तब मनमोहन सिंह से आपने नहीं पूछा कि आप क्यों बाहर घूमते रहते हैं, यहाँ किसान बड़ा परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, मत जाइए? तो प्रश्न ये है कि समझौता उस समय किसी भी देश के अंदरूनी विषय के साथ नहीं हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री देश के अंदरूनी विषय में भी पूरी तरह से, चाहे वो दौरा की बात हो, चाहे राशि देने की बात हो, चाहे मुआवजा राशि देने की बात हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे राज्य में 2 बार ओलावृष्टि अतिवृष्टि आई, हम डेलीगेशन लेके गए, एक बार केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ दिया गया, एक बार 800 करोड़ दिया गया किसानों के लिए। अब वो दूसरी बात है कि किसानों के हाथों में नहीं पहुंचा राज्य सरकार के द्वारा, वो अलग बात है, पर राशि तो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। तो जो ज़रूरत थी उस समय में किसी भी सेक्शन में जहाँ पीड़ित व्यक्ति हो, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से आत्म अवलोकन करके निर्णय लिया। एक उदाहरण बता दीजिए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसी किसान के घर गए हो जिसका घर बर्बाद हुआ हो। कई बार दौरा उन्होंने किया है, कई जगह गए हैं, वो याद है? एक उदाहरण, पूरा दौरा किया हो। मैंने तो रिसर्च किया, मुझे एक उदाहरण नहीं मिला जब किसी के ओलावृष्टि से किसी की फसल खराब हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए हैं, सोनिया गांधी जी गए हैं, अभी भी गई हैं। नहीं, अब तो जा रहे हैं, अब तो तब भी गई है जमाना, तब भी गई है, लेकिन तब भी गई है, जब जब अब भी गई है और तब भी गई है। कांग्रेस के पूरे दिन इसीलिए आए क्योंकि जो राजा है इन्होंने प्रजा को छोड़ दिया, प्रजा पीछे चली गई, प्रजा से इन्होंने किसी किसान के घर नहीं गए, इसलिए पूरे दिन आए। अगर ये प्रजा के साथ रहते इनका अच्छे दिन रहते। मैं इनकी भावनाओं का मैं बिल्कुल आदर करता हूँ, और मैंने अपने आप ही शो में कहा था कि जरूर हमारी कमियाँ थी, इसलिए आज हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, और अगर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हानि हमारी है। तो मैं इस मुद्दे से कभी नहीं भाग रहा हूँ, और मैं इस मुद्दे में कभी नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कोई कमियाँ नहीं थी। अगर हमारी कमियाँ ना होती तो हम विपक्ष में क्यों बैठे हैं? तो इसका हमें आत्म अवलोकन करना होगा। जब अरुण जेटली यहाँ आए थे तो मैंने पूछा था, सिंधिया जी कहते हैं ये सूझबूझ की सरकार है, तो उन्होंने कहा हमारी सरकार तो सूझबूझ की सरकार है,
उनकी सरकार सूटकेस की सरकार थी। सूट वूट की सरकार या सूटकेस की सरकार, कौन सी बेटर सरकार है? मैं समझता हूं कि ना सूट बूट की सरकार और ना सूटकेस की सरकार। मगर मैं आपने प्रश्न पूछ लिया, मुझे मौका मैं समझता हूं कि जनहित की सरकार, जनसेवा की सरकार और विकास की सरकार और पारदर्शिता की सरकार। कोई भी दल जो सरकार में बैठे, हम ये ना भूलें कि हमें वहाँ जनता के द्वारा बैठाया गया है सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए और प्रगति करने के लिए। जब ये मंशा हमारे मस्तिष्क में नहीं होगी लेकिन ये मंशा हमारे दिल में होगी, तब देश का असली विकास और असली प्रगति हो पाएगी। ये कहते हैं कि हमने एक साल में ये चीज़ें नहीं हो सकती थी, तो मैं कहता हूं इनसे कि पूछे कि अगर एक साल बीजेपी को हुआ है तो ये चीज़ें कहते हैं कि इनने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये कैसे नहीं हो, मतलब जो है अपने दिन को भूल गए, जबकि इनने उस टाइम के कॉमनवेल्थ गेम में क्या क्या किया था ये सब आपको सबको मालूम है कि हाँ भाई कितना पैसा, कितना अरबों रुपये का नुकसान हुआ था देश का, तब आपको याद नहीं था। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भी किसी भी सरकार का मूल्यांकन होता है जब कथनी और करनी में अंतर हो। अगर इनका कथन न होता इन सभी मुद्दों पर, एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं, जब रुपया 63 रुपये पे था डेढ़ साल पहले, तब कहा गया था कि यूपीए सरकार ने रुपया को वेंटिलेटर पे डाल दिया है, हम आएंगे तो हम 48 तक हम वापस ले जाएंगे। पिछले 3 महीने में इनके ही कॉमर्स मिनिस्टर ने, निर्मला जी ने वक्तव्य दिया है कि रुपया 64 पे ही होना चाहिए तभी हम लोगों के एक्सपोर्ट्स वायबल होंगे, और आज भी वो 64 पे है। तो जो रुपया वेंटिलेटर पे था वो आज वेंटिलेटर से ऑफ क्यों नहीं है, आज भी वेंटिलेटर पे क्यों है? तो जब किसी सरकार की कथनी और करनी में इतना ज़्यादा अंतर होगा तो उसका मूल्यांकन करना विपक्ष की भूमिका है और हमारी जिम्मेदारी है जो हम करेंगे। ये जो सवाल पूछना चाहते हैं, ये ऐसा सवाल सोशल मीडिया पर भी बहुत आ रहा है। नेहरू जी 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी 15 साल 91 दिन प्रधानमंत्री रहीं, राजीव गांधी 5 साल 32 दिन प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल 4 दिन प्रधानमंत्री रहे, जोड़ लें तो 47 साल 48 दिन। 47 साल 48 दिन में अच्छे दिन नहीं आ पाए, आप चाहते हैं एक साल में आ जाएं? मैं आपके साथ, मैं दो ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे तो आश्चर्य है अगर आप कहोगे कि 47 साल में कोई विकास नहीं हुई इस देश में, कोई प्रगति नहीं हुई। आज जरूर हुए होंगे, लोग कह रहे कि घोटाले ज्यादा हुए, विकास कम हुआ जी, मैं जरूर हुए होंगे, मैं इस आपके साथ सहमत हूँ, और जितनी घृणा आपको है उससे ज़्यादा घृणा मुझे भी है, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन क्या मैं प्लीज मुझे मौका दिया जाए उनको अपनी बात कहने, पर क्या विकास नहीं हुआ, क्या प्रगति नहीं हुई? तो उसी के आधार पर अगर आप चाहो कि अगर 47 वर्ष का आंकड़ा आपने दिया, क्या आप चाहोगे कि 47 वर्ष ऐसा ही चलता रहे प्रश्न पूछने के बिना? प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि प्रश्न पूछा जाए, जब मूल्यांकन किया जाए, जब कथनी और करनी में अंतर हो, और वो हमारी जिम्मेदारी है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जनता के सवाल और इल्जाम का एक और। राहुल गांधी ने कहा था, मैं कोट करता हूं, मैं पार्टी के संगठन में आमूलचूल बदलाव लाने की कोशिश करूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि बदलाव हो, और इस तरीके से करूंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हो गया बदलाव। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। आपकी अदालत में अगला चर्चा। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप है कि पार्टी की हार से सबक नहीं सीखा। सिंधिया जी, जब दिसंबर 2013 की बात है, जब दिल्ली में चुनाव हारी थी कांग्रेस पिछली बार, तो राहुल गांधी ने कहा था, मैं कोट करता हूं, मैं पार्टी के संगठन में आमूलचूल बदलाव लाने की कोशिश करूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि बदलाव हो, और इस तरीके से करूंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हो गया बदलाव।
14 महीने हो गए। ज़रूर, और मैंने ये भी कहा है कि पार्टी के अंदर आत्म अवलोकन की प्रोसेस जारी है, और मैं भी समझता हूँ कि अब जल्द से जल्द उस पर निर्णय हमें लेना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, अनेक राज्यों में परिवर्तन आए हैं, अनेक राज्यों में नए लोगों को दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अनेक राज्यों में। ज़रूर अब केंद्र में भी परिवर्तन मैं समझता हूँ कि ज़रूर जल्द करने वाले हैं। ये परिवर्तन होते होते हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, झारखंड में हार गए। देखिए रजत जी, इसमें थोड़ा जल्दी कर लीजिए परिवर्तन। कोई इसमें कोई मैं नहीं मैं एक्चुअली मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। जब किसी भी संगठन में या किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में परिवर्तन आता है और उतार शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी है कि आप एक ही परिवर्तन कर लोगे और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। प्रोसेस की ज़रूरत होती है और समय लगता है उस परिवर्तन के बदलाव आने में। मैं समझता हूँ कि अब हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जिन राज्यों में चुनाव आ रहा है और उन पर एक सशक्त और एक जिम्मेदार और एक अच्छी संगठन को काबिज करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो राहुल जी की और सोनिया जी की दोनों की। तो आपको इस बात का विश्वास है कि जिस रास्ते पर राहुल जी जा रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान 16 क्षेत्र उन्होंने चुने थे जहां पर उन्होंने प्राइमरीज करवाई थी अमेरिकन स्टाइल में, वो 16 के 16 उम्मीदवार हार गए। देखिए हर चीज़ पे मैं समझता हूँ जिंदगी में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ बहुत सारे डिविडेंड्स भी हमें मिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसी तरीके से हम लोग ने कैंडिडेट को चुना है जिसके आधार पे वो जीते भी हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है प्रजातंत्र में, और कई चीज़ों में आपको अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, कई में आपको शायद इतने अच्छे डिविडेंड्स ना मिलें। पर मैं समझता हूँ कि वो परिवर्तन की प्रक्रिया आप जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए। जब वो छुट्टी पर गए थे तो आपने कहा था जब वापस लौटेंगे तो ब्लूप्रिंट लेकर लौटेंगे, तो ब्लूप्रिंट कुछ मिला है? मैं समझता हूँ कि उनके मस्तिष्क में और उनके दिल में ब्लूप्रिंट बिल्कुल है, और आप स्वयं देखेंगे अगले 1-2 महीने में वो परिवर्तन जरूर आएगा। कहाँ परिवर्तन आ रहा है? वो नेपाल एम्बेसी में कंडोलेंस मैसेज लिखने गए, वो भी फ़ोन से देख देख के लिख रहे हैं। किसने बोला आपको कि फ़ोन? क्योंकि मैं आपके शो में, अगर मैं कहूं कि मैं आपके शो में अपना मोबाइल फ़ोन निकालूं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं उत्तर देख के पढ़ रहा हूं? क्यों, अगर मेरा ईमेल आया हो तो मैंने यहीं रखा है, तो आप कहोगे कि मैं देख के पढ़ रहा हूं? अच्छा ऐसा है, वो जो वीडियो था, प्रॉब्लम यही है कि आप हर चीज़ में अनेक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे राहुल जी एम्बेसी में थे वो वीडियो देख लेते हैं, जनता देख ले और फैसला हो जाए कि वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं, वो हम चला के देख लेते हैं। ये एविडेंस है, मैं पेश करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है आपका? मैं सहमत नहीं हूं। इसीलिए बहुत सारे कांग्रेस के नेता, अमरिंदर सिंह, वो कहने लगे कि सोनिया जी को अध्यक्ष बने रहना चाहिए। केशव चंद देव वो कह रहे थे कि राहुल जी ने जितने वादे किए थे उनमें से आधे भी पूरे कर देते तो आज पार्टी की हालत नहीं होती। देखिए मैं ये समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे रजत शर्मा जी को इंडिया टीवी का हेड बनना चाहिए या हमारे मिश्रा जी को इंडिया टीवी का हेड बनना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अगर संस्था या इनको कब बनना चाहिए, अगर संस्था के हित को हम चाहते हैं तो जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी को हम निभाएं।
और जो अध्यक्ष कब बनेंगे, कौन बनेगा, कब बनेगा, ये निर्णय हम AICC के ऊपर छोड़ें। मैं समझता हूं कि एक सांसद के रूप में मेरी जिम्मेदारी द्वितीय है, एक अपने संसदीय क्षेत्र में, दूसरा संसद में चीफ व्हिप के द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं, उस पर मैं अपना ऊर्जा केंद्रित करूं और इन मुद्दों पर न लगूं। तो मुझसे भी कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए सवाल उठते हैं। अब सबसे सीनियर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं कमलनाथ। कमलनाथ जी कहते हैं कि जब कोई समस्या लेकर मैं सोनिया जी के पास जाता हूं तो मुझे राहुल गांधी के पास भेज देती हैं, और जब मैं राहुल गांधी के पास जाता हूं तो वो कहते हैं फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी करेंगी। तो ये जो डायलेमा है, इससे नुकसान तो नहीं हो रहा पार्टी का? मैं नहीं समझता कि ये डायलेमा है, और मैं समझता हूं कि ये निर्णय जब भी लिया जाएगा ये हम AICC के ऊपर छोड़ें, कांग्रेस अध्यक्षा के ऊपर छोड़ें, और मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार सैनिक के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो मैं अपने पूरे ऊर्जा के साथ कोशिश कर रहा हूं। एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ज्योतिराज सिंधिया पर इल्जाम और सवाल आपका। एक और वहां के लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं कि मैं आप लोगों का भगवान हूं। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। नहीं कहा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। इसकी अगर मैं आपको एविडेंस दिखा दूं, एक वीडियो जरूर आया था, जनता को दिखाएं। बिल्कुल जरूर दिखाइएगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिराज सिंधिया पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इल्जाम है कि आज भी राजा महाराजा के जमाने में रहते हैं। ये बात सही है कि आप जब भी ग्वालियर जाते हैं, गुना जाते हैं, आप पसंद करते हैं लोग आपको महाराज कहें? बिल्कुल नहीं, मैं 21वीं सदी के भारत का नागरिक हूं और मुझे गर्व है कि मेरी काबिलियत और जिसके लिए भी मुझे जाना जाए वो मेरी मेहनत और मशक्कत के लिए जाना जाए। मेरा अध्ययन उसी वातावरण में हुआ है, मैंने नौकरी भी उसी वातावरण में की है, और आज जनसेवा में भी हूँ तो मैं उसी वातावरण में हूँ, और जिस तरीके से मेरी सोच विचारधारा है, मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है, मेरा लक्ष्य जनसेवा है। और अगर एक भी व्यक्ति के ज़िंदगी में हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सफल है। मुझे लग वहाँ के लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं कि मैं आप लोगों का भगवान हूँ। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। नहीं कहा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। इसकी अगर मैं आपको एविडेंस दिखा दूं, वो एक 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 वीडियो, एक, एक, एक वीडियो है, एक वीडियो जरूर आया था, जनता को दिखाएं। बिल्कुल जरूर दिखाइएगा। जिस तरीके से आपके साथ मैंने सतत संवाद रखा है, सतत संपर्क रखा है, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं होना चाहिए, ये चुनाव तो इस तरीके से भगवान के रूप में मैं आपको हर महीने आपके बीच में आकर आपके समस्याओं का समाधान निकालता हूं, विकास प्रगति लाता हूं, उसी तरह मतदान के दिन एक दिन प्रजातंत्र के मंदिर में जाकर, मतदान के केंद्र में जाकर, ये वीडियो पहले भी दिखाया गया था और उससे पहले मैंने टीवी चैनल पे कहा वोट दे रहे हो, ये जहां 10 बार मैंने कहा है कि मेरे लिए मेरी जनता मेरी भगवान है और उनका दर्शन करने के लिए सदैव हर महीने उनके समक्ष मैं सदैव रहता हूं, क्योंकि वही रिश्ता मेरा क्षेत्र की जनता के साथ रहा है। जरूर स्लिप ऑफ द टंग होता है और ये जरूर एक स्लिप ऑफ द टंग है, और मैं उस पर्दे के पीछे बिल्कुल नहीं खड़ा रहूंगा। जहां गलती है वो मैं बिल्कुल 100% मानता हूं। नहीं, अच्छी बात है। क्विकली 2-3 सवाल। हाँ, यहाँ से लीजिए, सेकंड रो में। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी अभी एक्टिव हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं, या तो उनको कोई बताता है कि आपको ये बोलना है, तो वो क्या अपना पूरा होमवर्क करके नहीं आते हैं? क्योंकि अभी एक हमने मुद्दा देखा था फूड पार्क का, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, जो कि कांग्रेस के टाइम में ही डिसाइड हो चुका था कि वो नहीं होगा, फिर भी अचानक से उनको आज वो फूड पार्क का मुद्दा याद आया, तो ऐसा क्यों है? क्या वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करते क्या? मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया, और मैं आपको ये भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि वो फूड पार्क कांग्रेस के सरकार के समय में कैंसिल नहीं हुआ था। वो फूड पार्क जून 30, 2014 में कैंसिल हुआ था, जब ये BJP की सरकार आई थी। उसका कैबिनेट नोट भी हम लोगों के पास है, जो आप चाहें तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। सर, मैंने कई चैनल्स पे देखा है जो ये क्लियर कर चुके हैं कि वो चीज़ें कि फूड पार्क नहीं बनेगा, वो कांग्रेस के टाइम पे ही क्लियर हो चुका था, और ये कैंसिल होने के 1 साल बाद अचानक राहुल गांधी को अभी याद आया
कि अभी ये फूड पार्क नहीं बनाया और बीजेपी ने इसे कैंसिल किया। मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर भी मैं, अगर आप चाहो तो मैं आपके समक्ष में रख पाऊंगा, जहाँ जून 30 2014 का डेट है जिस मंत्रालय के मीटिंग में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के मीटिंग में वो फूड पार्क कैंसिल किया गया था, और जून 30 2014 को बीजेपी की सरकार थी। लेकिन मोटी बात यह है कि जनता के मन में इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि राहुल गांधी अपना होमवर्क करके नहीं आते। अपना होमवर्क पूरा करके जाते हैं हर विषय पर, और आपने देखा है संसद में भी और संसद के बाहर भी, जब वो विषय उठाते हैं तो मुद्दों के आधार पर उठाते हैं। हम एक ब्रेक लुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज राधिका रामासेशन का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिराज सिंधिया पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज राधिका रामासेशन के फैसले का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरिल लिंच और मॉर्गन स्टैनली की दुनिया से सीधा चंबल वैली के, चंबल घाटी के कठिन परिस्थितियों में राजनीति किया, और 14 साल राजनीति करने के बाद हम ये इतना तो दावे के साथ कह सकते हैं कि वो प्रभावशाली और प्रतिभावान नेता के रूप में उभरे हैं। आज आपकी अदालत में उन्होंने कठिन से कठिन सवाल काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया, काफ़ी अच्छी चतुराई से उन्होंने फील्ड किया। अगर कहीं वो चुक गए तो मैं कहती हूँ कि जो सवाल रॉबर्ट वाड्रा जी या राहुल गांधी जी के बयानों पे थे, वहाँ पे मुझे लगता है कि वो चुक गए, थोड़ा बहुत चुक गए हैं। लेकिन ये उनकी उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार सिपाही ही हैं कांग्रेस पार्टी के, और इसी नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी को इनकी इनको अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना केवल संसद में पर संगठन में। और उन्होंने आखिर में जो कहा कि ट्रांसपेरेंसी से हमें गवर्न करना चाहिए और डेडिकेशन से, तो मुझे ये कहना चाहती हूँ कि अगली बार अगर कांग्रेस कभी पावर में आएगी सेंटर में, तो आपके शब्द को काफ़ी गौर से हम देखेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि ज्योतिराज सिंधिया इसी तरह से एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, सरकार की सशक्त आलोचना करते रहेंगे और कहीं गलती हो तो उसको पकड़ते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।